हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पी अक्षर से जिन व्यक्तियों का नाम शुरू होता है उनका साल 2019 कैसा जाएगा। पहले हम थोड़ा सा उनके पर्सनालिटी पे प्रकाश डालेंगे, उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। तो भाई ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, भावुक भी होते हैं और दिमाग के अपेक्षा दिल से ज़्यादा काम लेते हैं। संकोची, शर्मीले और झिझकने वाले होते हैं। मकान, ज़मीन और सेवाओं वाले क्षेत्र में इस पी वाले जो हैं वो ज़्यादा कार्य करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से फेफड़ों में शीत, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधी बीमारियां पी वाले को मिलती है। पी वालों के पुरुषों का शरीर भी स्त्रियों की भांति कोमल होता है। यह नाजुक और ललित कलाओं से प्रेम करने वाले होते हैं और ये अपनी योग्यता के बल पर ही उच्च पद पर पहुंचते हैं। साल 2019 पी वालों के लिए सकारात्मक जाएगा, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में अधिकतर दिलचस्प घटनाओं का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं जो पिछले वर्ष में थोड़ी कम थी। अपने गुणों के कारण आप लोग अपने कैरियर में सफल होंगे। तो चलिए हम शुरुआत कैरियर से ही शुरू करते हैं कि भाई आपका कैरियर कैसा रहेगा 2019 में। 2019 में आपका कैरियर मिला जुला परिणाम देगा। इस क्षेत्र में कई मौके आएंगे जिनमें आपको निराश भी होना पड़ सकता है, वहीं कई मौके ऐसे भी होंगे जिनमें आपको सफलता का स्वाद मिलेगा। अपनी कुशल संवाद शैली के माध्यम से आप कैरियर में तरक्की करेंगे। प्रोफेशनल क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफल परिणाम मिलेंगे। कंपनी अथवा संस्थान में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। पुरस्कार के रूप में आपका प्रमोशन भी हो सकता है अथवा आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। जनवरी, फरवरी और मई, जून में आप अपना जॉब बदल सकते हैं। यूं कहें कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, उन्हें आर्थिक मुनाफा होगा। नवंबर, दिसंबर में आपको अपने काम पर ही फोकस करना पड़ेगा। इस समय ऑफिस में होने वाले विवाह की बातों को नजरअंदाज करें और किसी विवाद का हिस्सा ना बने। इससे आपकी एक बेहतर कर्मी की छवि बनेगी और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ भी मिलेगा। देखिए, यदि परिणाम आपकी आशा को नहीं मिले तो निराश होने की बजाय मेहनत करें। इस समय अपने धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोएं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब हम बताएंगे आपके शिक्षा के बारे में, मतलब छात्रों के बारे में बात करेंगे जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो भाई छात्रगण पी वाले, ये साल सामान्यतः आपका अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि सफलता तो आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मेरिट में स्थान पाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सिविल सर्विस, मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी सफलता हाथ लगेगी, बशर्ते कि पढ़ाई एकाग्रता से करें। साल के मध्य में पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक सकता है, इसलिए बेवजह की बातों पर ध्यान देने की बजाय पूरा ध्यान अपने स्टडी पर लगाएं। सिविल सेवा और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को समय प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। वहीं इंजीनियरिंग और बैंकिंग सेक्टर की परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसलिए अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें और समय समय पर अपने टीचर से मार्गदर्शन लेते रहें। बेहतर होगा कि संयमित दिनचर्या अपनाएं और संतुलित भोजन लें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग और ध्यान करें, बेटर होगा। माता पिता की ओर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और वे हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे। 2019 में शिक्षा संबंधी मामलों में आपके अच्छे दिनों की शुरुआत सितंबर से दिसंबर के मध्य में होगी। तो इस दौरान यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। वे छात्र जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस साल सफलता जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशन की। पी
अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है। तो भाई आपका आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और साल की शुरुआत से ही आपको इसका आभास होने लगेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको विभिन्न स्रोतों से आमदनी प्राप्त होगी, परंतु इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि की संभावना है। हालांकि परिस्थितियां फिर भी आपके काबू में रहेगी। जून और अक्टूबर का समय मुख्य रूप से आपको आर्थिक मुनाफा देने का वादा कर रहा है, तो इस समय आपको अचानक ही धन लाभ होने की प्रबल संभावना रहेगी। पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। अगस्त और सितंबर में कोई निवेश मत करना भाई, वहां पे आपको धन के हानि के संकेत हैं। अगस्त और सितंबर खर्चों में वृद्धि संभव है जबकि आमदनी स्थिर रहेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी जरूरतों को पूरा करने में पैसा आपका अधिक खर्च होगा। आगे का समय आर्थिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। घर में शादी ब्याह होने पर आप जेवरात आदि बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी आपकी वृद्धि होगी। वाहन पे भी आप थोड़ा बहुत खर्च करेंगे। अब हम आते हैं आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर। तो आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। माता पिता की सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जीवन साथी और संतान की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए माता पिता के साथ साथ जीवन साथी और बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर घर में किसी बच्चे का जन्म होने से हर्ष का माहौल भी हो सकता है। इस साल अक्टूबर माह में घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। घर में भाई या बहन की शादी की संभावना बन सकती है। कोई भी मुद्दा कुछ हाले मत, हर मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए हो, यह आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भाई बहन को इस साल किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। 2019 में आप सब परिवार किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे आपके पर्सनल लाइफ जो होते हैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे का, मतलब आपके दाम्पत्य जीवन की बात करने जा रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में मिला जुला असर देखने को मिलेगा। शुरुआती माह में जीवन साथी की सेहत में कमी देखी जा सकती है। मार्च अप्रैल का समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान मैरिड लाइफ में चुनौतियां बेशक आएंगी, परंतु जीवन साथी की सूझबूझ और आपकी समझदारी से आप उन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका वैवाहिक रिश्ता मजबूत होगा, यह डेफिनेटली है। अब हम बात करेंगे उन लोग की जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत उन्हें पूरा साल मिलता रहे, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो भाई प्रेम जीवन के लिए जो वक्त है 2019, वो मिला जुला रहेगा। इसमें आपको उतार चढ़ाव दोनों ही देखने को मिलेंगे। प्रेम जीवन के लिए साल की शुरुआत कुछ खास नहीं है। इस समय आपको प्रेम जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके बाद परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। बात बात में नाराजगी मत दिखाइएगा और अपने प्यार को एक सही दिशा में लेकर जाए। लव रिलेशनशिप में पार्टनर को पूरी अहमियत दें और उनके विचारों को समझें। जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनके प्यार का रिश्ता और भी मजबूत होगा, तालमेल अच्छा दिखाई देगा। जनवरी से मार्च का समय आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल ला सकता है। इस समय साथ से आपका अलगाव हो सकता है। लव पार्टनर के साथ बहसबाजी नहीं करें। यदि रिलेशनशिप में किसी प्रकार का विवाद है तो उसको आप प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। बात का बतंगड़ मत बनाया कीजिएगा। सोच विचार में भिन्नता की वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है। इसलिए इस अवधि में अपने पार्टनर को सोच समझकर और उसकी भावनाओं को समझकर बोलिएगा। बेवजह अपनी बात को अपने प्रियतम पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। हर समस्या का समाधान बातचीत से निकालने की कोशिश कीजिए।
इस साल प्रियतम के साथ विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो सितारों की चाल कहती है कि आपकी कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि इस वर्ष आपकी राशि में लव मैरिज के योग बन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपके माता पिता से भी आपको सहयोग मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। तो भाई पी वाले, इस साल पूरे वर्ष जोश और ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। अपनी सेहत में चार चांद लगाने के लिए नियमित योग और व्यायाम कीजिए। साल के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इनमें सिर दर्द, आंखों का दर्द, पेट संबंधी विकार होने की संभावना है, तो ऐसे में सही समय पर डॉक्टरी परामर्श आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रह और नक्षत्र की चाल को देखते हुए इस बात का संकेत है कि आपके जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। विशेषकर बारिश का जो मौसम है, बारिश के मौसम में जोड़ों के दर्द से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। आप अपनी क्षमता से अधिक काम करेंगे। हो सकता है कि आप इस दौरान थकान महसूस करें, तो इस समय अपने शरीर को आराम दें और रात में पर्याप्त नींद लें। फिट रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अपनी दिनचर्या में योग और ध्यान क्रिया को जोड़ें। इससे आपका मन शांत और एकाग्रचित रहेगा और चेहरे पर चमक आएगी। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।